इंदौर में ड्रग माफिया महिला पकड़ी गई तो शिवराज सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी। शिवराज जी मुख्यमंत्री जी ने एक आपात बैठक बुलाई और कहा ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो। अरे शिवराज जी, वो ये वही ड्रग माफिया हैं जो 15 वर्ष आपकी सरकार में पनपे हैं, वर्तमान 9 माह में सरकार में पनपे हैं। इनके ऊपर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कमलनाथ सरकार की 15 माह में सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, ड्रग माफिया हो। कमलनाथ सरकार ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था, नेस्तनाबूद करने का काम किया था। आपकी सरकार तो एक महिला पकड़ी गई जब, तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आपात बैठक बुला रहे। शिवराज जी, आपकी कार्रवाई सारी दिखावटी है। प्रदेश का भोपाल इंदौर ड्रग माफियाओं का केंद्र बन चुका है। हर स्कूल कॉलेज के बाहर नशे का ये व्यापार खुलेआम चल रहा है। खुलेआम पबों के अंदर ड्रग बिक रहा है। युवक युवतियां इसके शिकार बन रहे हैं। कई घर बर्बाद हो चुके हैं। कई युवा मौत के आगोश में समा चुके हैं, कर्ज के दलदल में धक चुके हैं। खुलेआम इंदौर और भोपाल के कई चौराहे चौराहे पर यह ड्रग मिल रहा है, स्कूल कॉलेजों के बाहर मिल रहा है, आसानी से उपलब्ध है और सभी दूर वसूली अभियान जारी है। ऊपर तक के नाम पर आपका प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोग कई जिलों के अंदर इनसे वसूली ले रहे हैं और वसूली ऊपर तक के नाम पर वसूली जारी और बेखौफ व्यापार चल रहा है। आपकी सारी कार्रवाई दिखावटी है। जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आप तुरंत जागते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। यदि आप वास्तव में ड्रग माफिया या हर तरह के माफिया को समाप्त करना चाहते हैं तो इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और छोटी छोटी मगर मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ आज भी घूम रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करिए। ड्रग माफिया हो, भू माफिया हो, सभी तरह के माफियाओं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो कमलनाथ सरकार ने जज्बा दिखाया था इन माफियाओं को खत्म करने का, वैसा जज्बा आप भी दिखाइए। सिर्फ एक दिन आपात बैठक बुलाने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस आपको सूची दे सकती है इंदौर भोपाल के उन चौराहों की, उन स्कूल कॉलेजों के बाहर बिकने वाले ड्रग केंद्रों की, उन पबों की जहां बड़ी मात्रा में ड्रग मिल रहा है, युवक युवतियां इसके शिकार हो रहे हैं और बड़ी मात्रा में वसूली के नाम पर खुले बेखौफी व्यापार चल रहा है। कई परिवार बर्बाद हो रहे और आप बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे आज कोरोना की महामारी चल रही है, कर्फ्यू लगा है 10 बजे बाद, लेकिन आप आ जाइए इंदौर भोपाल सारे पब आधी रात तक आज भी चालू हैं। कोई कर्फ्यू का पालन नहीं, कोई कोरोना के नियमों का पालन नहीं। खुलेआम ड्रग्स से लेकर शराब माफिया सक्रिय, खुलेआम युवक युवतियों को उसका शिकार बनाया जा रहा है। इसको लेकर आज आवश्यकता है कड़ी कार्रवाई करने की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।